नमस्कार, बिंद भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 17 दिसंबर को पेंशनर समाज ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया। 80 साल से ज्यादा के साथियों को सम्मानित किया गया। सरकारी सेवाओं से नियत आयु पूरी करने के बाद रिटायर हुए कर्मचारी हर साल की तरह इस साल भी 17 दिसंबर को रीवा में एकत्रित हुए, अपने बुजुर्ग साथियों का सम्मान किया। जितने भी सदस्यों ने अपनी आयु के 80 साल पूरे कर लिए थे, फिर मिलने के बाद के साथ हम आपको बता दें कि यह सारे बुजुर्ग अपनी सरकारी सेवाओं को पूरा करने के बाद अपना समय अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ इस तरीके से बिताते रहते हैं। ये भारत पेंशनर समाज का वार्षिक उत्सव है। यहाँ हर साल जो है 17 दिसंबर को ये कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें हमारे सभी प्रबुद्ध जितने भी पेंशनर्स हैं वो आते हैं और उनका 80 साल वालों का हम लोग सम्मान करते हैं। इसके पश्चात यहाँ स्वल्पाहार का आयोजन किया जाता है, तत्पश्चात इसको जो है समाप्त की घोषणा की जाती है। हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय नागेंद्र सिंह जी गुड़ विधायक जी हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं ब्रिगेडियर हमारे AK श्रीवास्तव साहब। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर RD सिंह साहब हैं और हमारे जो भी पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय KD सिंह साहब अध्यक्ष, हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं ये अपने मंगलेश्वर सिंह साहब, और ये नागेंद्र सिंह जी हैं पुराने हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष जो मझियार हाउस के हैं, यही सब हैं हमारे यहाँ। क्या सुन रहे हैं? अशोक निगम कहते हैं मुझे। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।